आज का वीडियो एक्सरसाइज 9.4 द सेम वीडियो, इसके पहले का वीडियो भी था एक्सरसाइज 9.4 और आज भी एक्सरसाइज 9.4 ही है, बट दैट वॉज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2. वाई दिस पार्ट 1 एंड पार्ट 2? बिकॉज इन द सेम वीडियो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज 9.4. देयर वॉर दैट वॉज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट, दैट वॉज पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सम क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 9.4 was solved, were solved in the exercise 9.4, this video part 1, and some questions which were left in that part 1, they are solved now in the part 2, and that is started from question number 5. But question number 5 aane ke pehle, that I will remind, starting ke 4 questions aap revise ke lijiye, uske baad hi aap question number 5 pe aaiye, because स्टार्टिंग के चार क्वेश्चन अगर आप रिवाइज कर लेंगे, देन यू विल लर्न दियर दैट हाउ दैट फार्मूला विल बी यूज, किस तरह फार्मूला कहाँ पुट करना है, कैसे यूज करना है, और कैलकुलेशन के जो ट्रिक्स हैं वो भी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हैं. तो पहले स्टार्टिंग के चार क्वेश्चन आप रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद इसके बाद के क्वेश्चन पर आइए. और प्रीवियस वीडियो रिवाइज करना इसलिए भी मस्ट है क्योंकि उसमें वो फार्मूला है और कब हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, कब फार्मूला नहीं यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गिवेन इन द पार्ट 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज 9.4. सो दैट इज माई सजेशन दैट फर्स्ट रिवाइज द पार्ट 1 एंड देन पार्ट 2. और इस एक्सरसाइज 9.4 पढ़ने के पहले आपको एपी और जीपी के सारे फार्मूले आपको रिवाइज होने चाहिए क्योंकि बीच बीच में कहीं ना कहीं वो आते रहते हैं. सो दिस वन, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, बट एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5. Why this question is not so difficult? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कोई अल्फाबेटिकल या कॉन्स्टेंट टर्म इसमें नहीं है. बट वाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, यू सी दिस क्वेश्चन इज 5² + 6² + 7² + 2 + 20². यहाँ पे वो स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर. इट मीन्स यहाँ पे फार्मूला यूज होगा सिग्मा एन स्क्वायर का मीन्स सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर. बट प्रीवियस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हमने दिया था कि सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन या सिग्मा एन क्यूब, ये फार्मूले आप तब नहीं यूज कर सकते हैं जब वो सीरीज 1 से स्टार्ट ना हो. अगर वो सीरीज 1 से स्टार्ट है तभी आप उस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सीरीज या सिक्वेंस अगर 1 से स्टार्ट नहीं है तो हम डायरेक्ट उस फार्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं. सो पहले हम सब कुछ कैलकुलेशन के हेल्प से उसको हम 1 से स्टार्ट करवाएंगे उस सीरीज को, और उसके बाद उस फार्मूले का यूज करेंगे, देन दैट विल बी करेक्ट. अदरवाइज वी कैन नॉट यूज द डायरेक्ट फार्मूला ऑफ द सिग्मा एन स्क्वायर एंड सिग्मा एन क्यूब इफ द गिवन सिक्वेंस, इफ द गिवन सीरीज इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम 1. सो दिस वन, दिस क्वेश्चन इज 5² ये सीरीज आपका 5 से स्टार्ट हो रहा है और 20 तक जा रहा है. तो 5 से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब आप डायरेक्ट सिग्मा एन स्क्वायर का फार्मूला आप नहीं यूज कर सकते, इसलिए स्टार्टिंग के मिसिंग नंबर्स क्या हैं, 1² + 2² + 3² और + 4² स्टार्टिंग में नहीं है. सो यहाँ पे 1² + 2² + 3² + 4² हमने ऐड किया क्योंकि ये फिर वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा. सो 1² + 2² + 3² + 4² इज एडेड, और जितना आपने ऐड किया है वही बाद में आपने सबट्रैक्ट कर लिया. सो दिस इज 1² + 2² + 3² + 4² + 5² + 6² + 7² up to 20² माइनस दिस वन. अब यहाँ से यहाँ तक 20 टर्म्स हैं और सबका स्क्वायर है, इसका मतलब फार्मूला यूज होगा n (n+1) और 2n+1/6. ये सिग्मा एन स्क्वायर का फार्मूला है, एंड माइनस 1 + 2² = 4 + 3² = 9 + 4² = 16. नंबर ऑफ टर्म्स 1 से लेकर 20 तक, नंबर ऑफ द टर्म्स है 20, सो आप n के प्लेस पे 20 पुट करिए. सो 20 × 20 + 1 = 21 × 20 × 2 = 40 and 40 + 1 = 41 upon 6 - 30. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 × 7 × 40 and this - 30. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2870 and -30 = 2840 एंड दिस इज द सॉल्यूशन एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज 9.4. क्वेश्चन में कुछ भी स्पेशल नहीं है, ओनली द फर्स्ट लाइन वाज सो इंपॉर्टेंट जिसमें हम उस वन से इस सीरीज को 1 से करने के लिए कुछ ऐड किया है और बाद में उतना सेपरेट किया है. सो ओनली फॉर दिस कैलकुलेशन स्टेप, दिस कैलकुलेशन ट्रिक, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5.
Now see the next question. तो आज के वीडियो का सेकंड क्वेश्चन और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और आज का सेकंड क्वेश्चन है 3 × 8 + 6 × 11 + 9 × 14 + n terms, n terms का सम, this is the series. So इस टाइप के क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में पहले कर चुके हैं. इसका सबसे पहले इसका काम है आपको फाइंड करना है tn means the nth term of this sequence. और nth term आप गेस मत करिए, गेस करने से मिस्टेक होने के चांसेस हैं. So लिखिए आप nth term, जो प्रोसीजर मैंने बताया था इन द पार्ट वन, nth term of 3, 6, 9... into nth term of 8, 11, and 14... up to n terms. So this tn is equal to 3, but because this is AP, so 3 plus n minus 1 in the common difference 3 multiplied by the first term 8 plus n minus 1 and the common difference 3. This tn is equal to, this can be written as 3 plus 3n minus 3 multiplied by 8 plus 3n minus 3. So finally your the nth term equal to this 3 and 3 is cancelled, 3n into 3n and plus 5, and the value of the nth term equal to 9n square, 3 × 3, this is 9n square, and plus 15n. So nth term is equal to 9n square and plus 15n. This is tn, but we have to find out the sum of the n terms, means sn. ये इसके इस टाइप के क्वेश्चंस आप पहले भी कर चुके हैं. So that is not so difficult, not so important steps. So sn is equal to 9 into sigma n square plus 15 into n sigma n. So sn is equal to 9 into n or n plus 1, this is 2n plus 1 upon 6, and plus 15 into sigma n, that is n, and n plus 1 upon 2. Now the further steps, इसके पूरे सोल्यूशन नहीं करते हैं क्योंकि कोई बहुत ऐसा कुछ खास नहीं है, इसके पहले भी ये काम हो चुका है. सो इसमें कॉमन, जैसे कैलकुलेशन होता है, इसमें कॉमन टर्म इज व्हाट, कॉमन टर्म इज n into n plus 1 upon 2 is common. So n into n plus 1 divided by 2, it is common. Then in the bracket will, that will be n, this is 9 into 2n plus 1 upon 3 or plus 15. अब इसको आप LCM लीजिए, कॉमन लीजिए, फिर एक पॉलिनोमियल, फिर एक नंबर मिलेगा उसको कॉमन लीजिए और कॉमन लेकर सॉल्व कर लीजिए, और इसमें कुछ स्पेशल कैलकुलेशन नहीं है. एंड द फाइनल आंसर यू विल गेट 3n into, दिस इज सॉल्व करने पे आएगा 3n into n plus 1 और n plus 3, n plus 1 and n plus 3, ये आपको कॉमन लेके मिल जाएगा, और बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है. सो दिस वाज आज का सेकंड क्वेश्चन और टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 6. अब आज का थर्ड क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 9.4. A very important question, this question number 7 of this exercise 9.4 question, बहुत ही selected है, इसको इस question को पूरा ही solve करना है.
दैट इज 1 square plus 2 square, 1 square plus 2 square, 1 square plus 2 square, plus next term is 1 square plus 2 square, plus 3 square, and up to n terms. Very important question of this exercise 9.4. One of the most important question. This is how this is different of two other questions. You see, this is 1 square. ये first term है, तो ये 1 तक गया है, 1 square. This is the second term in the bracket. तो अगर ये second term है, तो ये 2 तक है. This is the third term. तो 1 square plus 2 square plus 3 square. After that, the fourth term that will be equal to 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square. फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते n जब nth term आएगा, so tn is equal to, अगर ये second term है तो 2 तक, अगर ये third term है तो 3 तक, अगर वो fourth term है then fourth तक, और अगर वो n term है तो वो n तक आएगा. It means that is 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square. This is the tn. और ये क्या है, 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to n square. This is sigma n square. So tn is equal to sigma n square, and sigma n square equal to n plus 1 and 2n plus 1 upon 6. So tn is equal to 1 upon 6 or into n. इन ब्रेकआउट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n into n into 2n, दैट इज 2n square and plus 2n and plus 1, दिस विल बी 3n and plus 1. सो दिस tn इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस 2 अपॉन 6 मींस 1 अपॉन 3n³ प्लस दिस 2 अपॉन 6 दिस इज 1 अपॉन 3n³ एंड प्लस 3 अपॉन 6 that is 1 upon 2 n square and plus 1 upon 6 n n. This is the value of tn. Now why this question is so important, starting mein kaha tha, why this question is so important, what the difference is here, how this question is different from the other questions. You see, ये हमने फिर किया है सिग्मा एन स्क्वायर का फार्मूला. मोस्टली अब तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, सिग्मा एन स्क्वायर का फार्मूला आपने तब यूज किया है जब सम ऑफ द एंटर्स फाइंड करना होता. तब जब आपने सम फाइंड किया है, जब आपने SN फाइंड किया है, तब सिग्मा एन स्क्वायर का फार्मूला यूज किया है. बट इस क्वेश्चन में TN फाइंड करते समय ही सिग्मा एन स्क्वायर के फार्मूले का काम पड़ जाता है. सो अभी यूज किया है आपने सिग्मा एन स्क्वायर, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये है nth टर्म, और ओनली फॉर दैट रीजन दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्वेश्चंस. क्योंकि अभी तक आपने SN में सिग्मा एन स्क्वायर यूज किया है, बट इन दिस क्वेश्चन दिस इज कंपल्सरी टू यूज द वैल्यू ऑफ द फार्मूला फॉर द सिग्मा एन स्क्वायर इन द फाइंडिंग ऑफ TN मींस द nth टर्म. So only for that step, only for the that reason, this question is important, and this is different from the other questions. So this is TN, 1 upon 3n cube plus 1 upon 2n square and plus 1 upon 6n. अब इसके आगे सॉल्व करना है, आपको फाइंड करना है SN, और इस क्वेश्चन को पूरा ही सॉल्व करेंगे सारे स्टेप्स इसके, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. So now say TN equal to, now SN, SN equal to 1 upon 3 or sigma n cube, 1 upon 3 sigma n cube plus 1 upon 2 sigma n square and plus 1 upon 6 into sigma n. This can be written as 1 upon 3, and formula for the sigma n cube equal to n plus 1 और n square n plus 1 to the whole square upon 4 plus 1 upon 2 sigma n square का formula n plus 1 and 2n plus 1 upon 6 और plus 1 upon 6 into n and n plus 1 divided by 2. Now यहाँ पे भी कोई special नहीं है, but केवल formula put किया है. Now this will be equal to, इसका calculation भी बहुत important है. This is equal to
1 upon 12 means n square or n plus 1 to the whole square upon 12 plus n or n plus 1 2n plus 1 upon 12 and plus n into n plus 1 divided by 12. Now something is common here. What will be common? Sabka denominator 12 hai, common lena bahut hi aasan hai. But here the common term is only n upon 12. Only n upon 12 is common. Only n upon 12 and something more is common. N and into n plus 1 is also common. So the common term is 1 upon 12. Common term is 1 upon 12. N is also in the all term. This is n common or n plus 1 be common is mein hai. Now remaining n 1 upon 12 is common. N is common, n plus 1 is common, then the remaining term is n into n plus 1 and plus n, n plus 1 upon 12 is common, the remaining this is 2n plus 1 and plus here all the terms is common, that remaining 1. So this is equal to 1 upon 12, this is equal to 1 upon 12 or n into n plus 1. In the bracket you have n into n, this is n square plus n or plus 2n and plus 1 plus 1, this is 2. This is equal to 1 upon 12 n into n plus 1 or ye n square plus 3n or plus 2, factorization by splitting the middle terms or by splitting the middle terms is factor kariye and that will be your final answer and then this will be equal to the final answer of this question. This is equal to Sn is equal to 1 upon 12 or n plus 1. This is n plus 1 and n plus 2. That यहाँ भी आंसर आप छोड़ सकते हैं बट द आंसर द फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर इज 1 अपॉन 12 n into n plus 1 to the whole square or n plus 2. This is the final answer of this question number 7 और बहुत ही सिलेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है. Why this question is important that I have told in the previous steps. Now the next question is the question number. So question number 8 आज का सेकेंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 आप एक्सरसाइज 9.4 दैट इज गिवेन टी एन इज इक्वल टू एन इंटू टी एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन और एन प्लस 4 टी एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 एन इंटू एन प्लस 4 ये टी एन इसमें क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 इन तीनों क्वेश्चन में टी एन डायरेक्ट गिवेन है. सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे टी एन इक्वल टू दिस इज एन और इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट एन स्क्वायर प्लस 5n एंड प्लस 4 एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4 एंड देन दिस टी एन इक्वल टू एन क्यूब प्लस 5n स्क्वायर एंड प्लस 4n. नाउ दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द टी एन. सो नाउ एस एन इज इक्वल टू सिग्मा एन क्यूब and plus 5 into sigma n square plus 4 into sigma n. Now you put the formula that is Sn equal to n plus 1 and to the whole square upon 4. This is the formula for sigma n cube plus 5 into sigma n square n plus 1 and 2n plus 1 upon 6 और प्लस 4 इंटू सिग्मा n प्लस 1 अपॉन 2. दिस इज द फॉर्मूला आपने पुट किया. अब इसको कॉमन लेके सॉल्व कर लिए. नाउ सी व्हाट इज कॉमन इन दिस क्वेश्चन दैट इज Sn इक्वल टू द कॉमन टर्म इज n और n प्लस 1
divided by 2, it is common. N, n plus 1 upon 2 is common. Now what is remaining? यहाँ से बचता है n, n plus 1 upon 2 और plus यहाँ n, n plus 1 upon 2 is common. Then 5 into 2n plus 1 upon 3. This is remaining. Now here n, n plus 1 upon 2 is common. Then remaining term is 4. So Sn is equal to n, n plus 1 upon 2. वो कॉमन था, इसका एलसीएम है 2, 3 या 6 इज एलसीएम. सो अगर 6 एलसीएम है, दिस इज 2 into 3, सो दैट इज 3n और n प्लस 1 प्लस 3 2 जा 5 या 10, 10 into 2n plus 1 and plus 24. सो Sn इक्वल टू, नाउ सी Sn इज इक्वल टू n into n plus 1 upon 2 upon 6 is here, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3n square plus 3n plus 20n plus 10 and plus 24 is equal to n or n plus 1 upon 2, और ये 2, 6 जा 12 कर लीजिए इसको, n n plus 1 upon 12 and in the bracket remaining this is 3n square plus 23n and plus 24. So this is n plus 1 upon 12 and 3n square plus 23n plus 24. This is factorization is not possible. Iska splitting the many times of factorization possible nahi hai. So that will be your final answer. And this was the question number 8 or selected question. Tha, achha question tha ye bhi. Now come on the question number 9. Question number 9 of this exercise is some different. Iska starting ek do line bahut different hai. That you see the question number 9. See why this question number 9 is some different. Question number 9 and the TN of this question, TN is given n square plus 2 to the power n. This is TN. And ye question different hai isi 2 ka power n mein. Jo formula hai wo formula sigma ka formula, isme sigma n square mein lagega. But ye chunki n, because this n is in the exponent, to isme hum sigma n ka formula nahi put kar sakte. So Sn is equal to sigma n square. Now see the important step. Sn equal to sigma n square plus, yahan pe sigma lagega nahi, then what you do? 2 power 1 plus 2 power 2 plus 2 power 3 plus 2 power 4 up to 2 to the power n. This is the important step. Kyunki yahan pe sigma lagega nahi, sigma 2 ka power n lag bhi sakta hai, lekin formula nahi use hoga sigma n ya n square ya n cube ka. To better ye hai ki ya aise use kariye. So 2 ka power 1 plus 2 ka power 2 plus 2 ka power 3, kyunki agar sigma laga bhi denge to sigma use karne ke baad aapko yahi line likhna hai. So 2 ka power 1 plus 2 ka power 2 plus 2 ka power 3. Why this is? Because the total number of terms is n. So 1 plus 2 plus 3, 3 aur wo n tak jayega. Now Sn equal to here the formula n plus 1, and this is 2n plus 1 upon 6. But here this is your GP. GP ka first term bhi 2 hai aur common ratio bhi 2 hai. So a into r ka power n, isi liye starting mein hi remind kiya tha humne ki kahi bhi GP AP ka formula beech mein aata rahega. To GP ke sum of the n terms ka formula n a into r ka power n upon r minus 1. To iska a hai 2 into r power n, 2 power n minus 1 divided by r minus 1, that is 2 minus 1. So the final answer of this question is n into n plus 1 or 2n plus 1 upon 6 plus 2 into 2 ka power n minus 1. This is the final answer of this question number 9 of this exercise 9.4. And now see the last question of this exercise 9.4.
See the last question, 10th is question number 10. और आज का लास्ट क्वेश्चन ये, दिस टी एन इज इक्वल टू 2n-1 टू द होल स्क्वायर. सो टी एन इक्वल टू 2n-1 टू द होल स्क्वायर. द nth टर्म इज गिवेन एंड विद द हेल्प ऑफ द nth टर्म वी हैव टू फाइंड द फार्मूला द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस. टी एन इसमें डायरेक्ट गिवेन है तो टी एन आपको फाइंड नहीं करना, थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे. सो दिस टी एन इज इक्वल टू 4n² - 4n + 1. 4n² - 4n + 1. This is the value of Tn. Now Sn, Sn equal to 4 into sigma n square minus 4 into sigma n and plus 1. This question is important only to this one. 1 को क्या करेंगे आप? So 1 को यहाँ 1 नहीं लिखना है. 1 को क्या करेंगे, अगर सिग्मा लगेगा नहीं तो सिग्मा 4 इंटू सिग्मा एन स्क्वायर माइनस 4 इंटू सिग्मा एन. अब बट 1 क्या है, 1 को आप सिग्मा 1 भी नहीं ले सकते, सिग्मा 1 की कोई मीनिंग नहीं है. बट यहां पे आपको लिखना है n. दिस इज n. व्हाई दिस इज n? बिकॉज Sn हम कर रहे हैं तो यहां पे 1 है. सो 1 मीन्स 1 + 1 + 1 + 1 + 1 up to n times. So 1 + 1 + 1 + 1 up to n times, that is equal to n. Only for this n, this question is important. और अब तक किसी question number 1 से question number 9 तक ऐसा कोई काम भी नहीं पड़ा, किसी question में ये मिला ही नहीं. बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत कॉमन मिस्टेक है. कॉमन मिस्टेक मीन्स कुछ लोग सिग्मा 1 करके 1 लिख देते हैं. तो अगर आप 1 भी लिख देते हैं सिंपली तो भी इनकरेक्ट है. बट दिस इज करेक्ट दैट 1 + 1 + 1 + 1 up to n times means that is equal to n. Now you proceed. So Sn equal to 4 into sigma n square n n plus 1 and 2n plus 1 upon 6. Due to this n, this question is important. Minus 4 into sigma n n n plus 1 upon 2 and plus n. So 4 into this 4 into sigma n square minus 4 into sigma n and plus n. Now something is common. So this Sn equal to, simplify कर लीजिए थोड़ा इसको, simplify करेंगे then 2 से cancel ये 2 और यहाँ से 3 से cancel ये 3 हो जाएगा. Then you have 2n और n plus 1 and 2n plus 1 upon 3. This is cancelled by 2. So 2 से cancel, then 2n + 1 upon 3 and plus minus, ये वैसे ही cancel है, this is 2n and n plus 1 and plus n. Now this is simplified for by Sn. अब इसको solve करना है, so take something common. Now see common, Sn equal to, अब इस पूरे सीरीज में वनली n is common. So you take only n common, so n is common, in the bracket what is remaining you see n common, 2 into 2, n common हो गया, n plus 1 and 2n plus 1 upon 3 plus, यहां से भी n common plus नहीं है, minus यहां पे n common, then this is 2 और n plus 1 upon 1 and plus 1. Because this n is in common. Now see, this n equal to, this is n into LCM is 3. This ka LCM is 3. So 2 into, isko factorize karenge, to I got 2n square plus 3n plus 1. So multiply karenge, to I got 2n square plus 3n plus 1 minus LCM is 6, LCM 3 rahega. So 1, because 3 LCM, then you will get 6 into minus 6 into n plus 1 and plus 6. So this is 2 into 2n square plus 3n minus 6 into n plus 1 and plus, not 3, not 6, this should be 3. Now simplify.
this Sn equal to, now Sn is equal to n into, now this is 4n square plus 6n plus 2, 4n square plus 6n plus 2 minus 6n minus 6 and plus 3 upon 3. This 6n and 6n is cancelled. So Sn is equal to n into, in the bracket, 4n square and 2 plus 3, 5 minus 6 minus 1 upon 3. And the simplified form for this answer is n upon 3. So 4n square minus iska factor ho jayega, that is 2n plus 1 and 2n minus 1. And this is the final answer of this question number 10 of this exercise 9.4. Now in this way, this exercise 9.4, including part 1 and part 2, and all the questions, these 10 questions are solved here, not the selected questions. I think all the questions I have solved in this in part 1 and part 2. Now this was exercise 9.4. So I hope all the steps in the part 1 and part 2, all the questions, all the steps are clear to you. And this is my request, that if you have not subscribed this channel, please subscribe this channel and watch the videos. Now wait for the next video, and next video will be the miscellaneous exercise of the chapter sequence and series of the NCERT book question, NCERT book class 11th. Or sequence and series ka miscellaneous exercise bahut bahut selected hai, bahut important hai. So wait for the next video of the miscellaneous exercise of class 11th NCERT chapter sequence and series. Thank you.